मुझे आज ही पता चला कि कुछ लोग हैं जो कमेंट्स करा रहे हैं, जिसने मामी को और लखन के लिए कमेंट्स करवाए हैं, उससे भी बड़ी बात है कि कुछ लोग उस कमेंट को लाइक कर रहे हैं। मतलब आप उस चीज को पसंद कर रहे हो कि कोई किसी की फैमिली, किसी के बेटे, किसी की माँ के लिए उल्टा सीधा बोल रहा है और आप वो सब चीजें लाइक कर रहे हो। और आज मैं बोल रही हूँ कि भैया राम बन के माता कौशल्या की हेल्प करना। माने निकाली है लोनी आज, और आज दीदी के और आएंगे शर्मा जी के मजे भी मुझे बहुत पसंद है। आप पराठे खाओगी? यस। आज दीदी थायराइड बोल जाएंगे अपना। दिखाना पर्दे के पीछे कौन है। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? गाइस को देखने में अच्छे हो आप सब लोग, बहुत अच्छे होंगे। और ये देखो, आज ये मेरा उन्होंने सुबह से मजाक बना रखा है, क्योंकि मैं दो तीन दिन से बाहर था तो पानी की पाइप नहीं ला पाया था, मैं पानी नहीं पाई थी, तो इन्होंने कूलर में मुझसे बाल्टी से पानी भरवाया है, पूरे कूलर में। ये भगवान क्या जुलुम है। बन रही है कढ़ी और बहुत गर्मी है, इतनी बन गई है। मैं बना रही हूँ पकौड़ियाँ, तो ज्यादा छोटी बन गई है देख पर आज मेरा कढ़ी खाने का मन था, और शर्मा जी को मैंने भेजा अपनी दवाई लेने के दवाई लेने के लिए। महाराज जी मेरी दवाइयों का पर्चा खो के आ गए। तुम बहुत केयरलेस हो, अब आवाज नहीं आएगी। अरे मैं आपसे कह रही हूँ, हाँ तूने मेरा पर्चा खो दिया, अब डॉक्टर हमें सुनाएंगे अच्छे से। फिर ढूंढ के ले आए, मिल गया है यार, कहीं पॉकेट में से गिर गया था, मैं नाराज हो गई इसलिए मिल गया है। तो आज हमारे घर पे कढ़ी चावल रोटी ये बन रही है, फिर शाम को हम लोग आज जाएंगे घूमने। दीदी को कोई चीज, दीदी के लिए हमने गोला ढूंढा है ना, दीदी को गोला बहुत पसंद है, आज हम दीदी को गोला खिलाने जाएंगे। और उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है जो मुझे सबको देना है, बताती हूँ वो क्या है, ब्लॉग में देखने को मिलेगा। मैं डायरेक्ट उसी में डाल रही हूँ, ये मत दिखाओ यार, मैं हाल से हूँ थोड़ी, मैं देखना कैसे आवाज करेगा अभी जब डालूंगी, देखना देखो ना? जल गई तुम्हारी वीडियो के चक्कर में मेरी पकौड़ियाँ, लड़की मुझे काम नहीं करने देती है। तो गाइस मुझे जो आपको एक इम्पोर्टेंट मैसेज देना था वो था ये कि मुझे आज ही पता चला कि कुछ लोग हैं जो कमेंट्स करा रहे हैं, जिसने मामी को और लखन के लिए कमेंट्स करवाए हैं। सबसे पहले तो मैं कहूंगी, पहली बात तो उन लोगों में दम ही नहीं है, अगर तुम किसी के खिलाफ बोल रहे हो, मतलब खिलाफ बोलने की हिम्मत कर रहे हो, तो डायरेक्ट बोल के दिखाओ। उसमें लिखा है एल नाम का लड़का और बी नाम की उसकी मम्मी, सब जानते हैं कि एल नाम का लड़का कौन है और बी नाम से किसको बुलाते हैं। आप उनके लिए उल्टा सीधा बुलवा रहे हो कि लड़का अच्छा नहीं है, कैसा है, ये जो सारी चीजें, और मामी के लिए बुलवाया गया कि वो अनपढ़ है। तो मैं सबसे पहले तो कहना चाहती हूँ कि आप लोग कैसे, मतलब उन्हें अनपढ़ कैसे बोल सकते हो, किस स्केल से माप के आपने उन्हें अनपढ़ बोला है। कोई इंसान अगर अपना पूरा घर अपना तो चला ही रहा है और साथ में कम से कम 50 लोगों का घर चला रहा है, इतनी हेल्प वो सबकी करती हैं। इवन मैं तो ये कहना चाहूंगी, जिन्होंने ये सब चीजें बुलवाई हैं, शायद उनकी भी स्टार्टिंग से और आज तक वो यही मतलब हेल्प करती आई हैं हर चीज में। मैं नाम नहीं ले रही हूँ किसी का भी, जिसने भी कमेंट कराया होगा वो समझ ही जाएगा इस चीज को। और लखन को गंदा बेटा बोलना और भम्मू को अनपढ़ माँ बोलना या कोई भी चीज उल्टी सीधी बोलना, तो पहली बात तो गंदा बेटा या अच्छा बेटा वो देखेंगे जिनका वो बेटा है, और अगर वो गंदा होता तो आज उनके साथ नहीं होता। और भम्मू अगर खराब होती तो अपने बेटे के साथ नहीं होती, कितनी सारी प्रॉब्लम्स आई जो लकी ने फेस की, वहां पे हमेशा मामी मामा जी उसके साथ थे, और कितनी सारी प्रॉब्लम्स मामी के साथ में आई तो तब भी उनका बेटा उनके साथ था। यार घर में जब बर्तन होते हैं तो खटकते हैं, कोई ऐसा दुनिया में घर नहीं है जहाँ चार लोग रहते हो उनमें कोई बात ना बनती हो या बात ना होती हो, खराब ना होती हो। खराब होने के बाद सही भी सब कुछ होता है, हमेशा होता है, ऐसा नहीं है कि रिश्ते हमेशा के लिए खराब हो जाते हैं। मुझे तो सिर्फ यार इतना ही कहना है कि अगर आप किसी के बारे में बोल रहे हो तो पहले पहले तहकीकात करो उस चीज पे कि आप जो बोल रहे हो वो ठीक है या नहीं है। और सबसे बड़ी बात की यार, जिसने कमेंट किया चलो उसने तो करके अपना काम खत्म कर दिया, उससे भी बड़ी बात है कि कुछ लोग उस कमेंट को लाइक कर रहे हैं। मतलब आप उस चीज को पसंद कर रहे हो कि कोई किसी की फैमिली, किसी के बेटे, किसी की माँ के लिए उल्टा सीधा बोल रहा है और आप वो सब चीजें लाइक कर रहे हो। तो बेटे तो आप भी हो, माँ तो आपकी भी है, फैमिली तो आपकी भी है, जो लोग आज हमें बोल रहे हैं कल वो आपको भी बोल सकते हैं। इसलिए किसी को भी उल्टा सीधा बोलने से पहले ये देख लो कि उस चीज का आप पे क्या असर पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहूंगी, लकी ने भी, मतलब मामी ने तो बहुत कुछ किया, बहुत कुछ,
वो कभी उन चीजों को गाती नहीं, बताती नहीं, उनके अंदर है जो उन्होंने किया, उनका भगवान देख रहा है कि वो कितने लोगों की कैसे हेल्प करती हैं। लकी ने किसी को उठाया और वो ही इंसान पीछे से उसे चाकू घोप रहा है, उसका बुरा चाह रहा है, तो एक ना एक दिन आके धड़ाम से गिरना ही, वही वाली हालत हो गई है। कहावत है, मेरे को पूरी नहीं आती, ढंग से नहीं आती है, पर मैं बोल देती हूँ कि अंधे को पहले रोटी दो, फिर उसे घर छोड़ के आओ, और फिर वही तुम पे वार कर दे। तो सेम लकी के साथ और मामी के साथ यही हुआ कि उन्होंने हेल्प की, बहुत हेल्प की, मतलब इस हद तक कोई नहीं कर सकता, हम लोग भी नहीं कर सकते, और फिर उनके साथ क्या हो रहा है, बस ये धोखा धोखा ही है, और उल्टे सीधे कमेंट्स। तो किसी को भी यार, किसी को भी, किसी के कमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे भी आए थे उल्टे सीधे कि आपकी मामी आपको नहीं बुला रही है, और ये नहीं वो नहीं, क्या हो गया, कोई बात नहीं, अब उन्होंने मुझे बुला लिया, मैं वहां जाऊं या ना जाऊं, वो मेरे घर आए ना आए, वो हम लोगों की पर्सनल चीजें हैं कि हमें कब क्या करना है। सबसे पहली बात तो मेरी शादी के बाद ही मामी की तबीयत खराब हुई थी, उनका ऑपरेशन हुआ था, फिर उसके बाद मेरी खुद की तबीयत खराब हुई थी, डॉक्टर ने मुझे सफर करने को मना किया, इसलिए मैं नहीं जा पाई, बाकी और कोई रीजन था ही नहीं। वो हमेशा मेरी मामी रहेंगी, मैं उनकी भांजी रहूंगी, जो रिश्ते हैं वो हमेशा वैसे ही रहेंगे, चाहे हम लोग जाएं या ना जाएं, मतलब किसी के भी कहने से किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और सेम वैसे ही आप लकी को उल्टा बोलो या मामी को गलत बोलो, उन चीजों से उन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें जहां पहुंचना था वो पहुंच चुके हैं, और जो लोग अभी यहाँ हैं वो वहां हैं, और जो यहाँ हैं वो बोल रहे हैं, उन्हें पता है कि उनका कोई स्तर है नहीं उनके लायक बोलने के लिए, पर फिर भी अपना मुंह खोल देते हैं। लेकिन पछतावा होगा, जरूर होगा, क्योंकि जो कोई बुरा करता है उसके साथ हमेशा बुरा होता है। मेरी मामी ने, लखन ने कभी किसी के साथ बुरा किया नहीं है, हमेशा लोगों का अच्छा ही किया है, तो भगवान उनके साथ है तो हमेशा चीजें अच्छी होंगी। और मैंने वापस उस कमेंट को देखा, वो वहां से गायब हो चुका था। तो अगर तुम में हिम्मत है तो उसे वहीं रहने दो, और जिसने लाइक किया है वो खुल के करो ना भाई, और बोलो, अगर तुम में दम है तो और बोलो, जरा हम भी देखें कि आपके बोलने की सीमा कहाँ तक की, आप कितना कुछ कर सकते हो। तो गाइज, एक बारी जब भाभी के साथ कोई ऐसी प्रॉब्लम हुई थी, तब मैंने बोला था कि भैया राम बन के सीता भाभी की हेल्प करना, और आज मैं बोल रही हूँ कि भैया राम बन के माता कौशल्या की हेल्प करना, उनके लिए लड़ना, उन्हें इंसाफ दिलाना। जो लोग उनके लिए उल्टा सीधा बोल रहे हैं उन्हें पता चलना चाहिए कि सीरियसली हमारे घर में राम, कौशल्या, सीता माता, दशरथ सब रहते हैं, सब रहते हैं, और जब जरूरत पड़ती है तो सब एक हो जाते हैं, एक होके लड़ते हैं, जिन्होंने जो करना था कर लिया। मैं मेरे भाई से कह रही हूँ कि अब राम की बारी है, उन्हें कौशल्या माता के लिए लड़ना है और लास्ट तक लड़ना है, मतलब जो भी है उसे एक्सपोज कर दो या जो भी कर सको कर दो बस, पर उन्हें उनकी गलतियों का एहसास दिला देना, ये है मेरे भाई का काम करना। खनक हो गई है रेडी, और करिश्मा को गोला खाना है आज, जो हमने पहले भी आपको बताया था कि करिश्मा को गोला बहुत पसंद है। बर्फ का गोला कौन से कलर का पसंद है? मुझे रेड। रेड कौन सा होता है? काला, खट्टा, खसखस? तूने देखा है खनक? तेरे लिए बहुत सारी कमेंट आ रही है, तू आती क्यों नहीं है आजकल ब्लॉग में? आ रही हूं। तुम्हें कुछ बोलना है? लाइट बंद करनी है? ओके, डन, आओ। आज मम्मी भी हो गए, हम सब लोग जा रहे हैं थोड़ा आउटिंग पे बाहर। आउटिंग मतलब कुछ मौज मस्ती के लिए। देखो, राम जी की सेना चली, हम तो दशरथ जी की सेना। चल मोटू। कौन है मोटू? सबको पता है। रुक गई आज तो पूरा परिवार यहीं लेट जाएंगे। इसमें कैसे आओगे? ऐसे लोगों के दिल में हजारों लोग आ जाते हैं। मम्मी कहेंगे अरे यार ये क्या हो गया, मम्मी डर जाएंगे। पंखा चली रहो, यहीं में सो जाएंगे। जब रुकेगी तो बंद हो जाएगा पंखा भी, लाइट भी, एकदम अंधेरा। कोई बात ना, तो अंधेरे में पड़े रहेंगे। गाइज, हम आ चुके हैं वहीं जहाँ पर गोला वाला भैया गोला बेचते हैं, बट हमें दिख नहीं रहे आज कहाँ है भाई, हो सकता है आगे हो। धीरे धीरे चलाओगे तो अंकल खुद ही रोक लेंगे, वो खुद रोक लेते हैं सबको, है ना? आओ ये आओ भैया, बहुत अच्छा बना के दूंगा। नहीं सच में बढ़िया था, इस तरीके से बना दिया। तो गाइज, शर्मा जी का और माँ का आ गया खसखस। देखो, माँ लगी पड़ी है और ये दोनों बेचारे बच्चे अपनी बारी का वेट करते हुए, और मैंने लिया ही नहीं है, मैं सबसे अलग चीज लूंगी। इस
सिर की आवाज आ रही है। ये ऐसे ही खाई जाएगी, इसमें ना चाहते हुए भी ऐसी आवाज आती है। गाइस ये है बहुत अच्छा, भैया बहुत अच्छा बनाते हैं सच में, सबसे बड़ी बात ये है। और अब इन दोनों का भी आ गया, चलो एक बार स्टोर करके दिखाओ जल्दी से कैसा है, है ना अच्छा। अंकल बहुत टेस्टी बनाते हैं, खाना कब देखो खाना कब नहीं ये देखो मेरा क्यों दिखा दिया, जब भी मैं मुंह पे लगाता हूं तो ही दिखाती है। अच्छा तो मां को क्यों दिखाऊं, उन्हें आराम से खा रहे थे तो देख लो मैं दिखा दे खाना कितने अजीब अजीब से मुंह बना रही थी। तुमने लिया नहीं है, तुम्हारा भी दिखाते हैं। नहीं मैं तो आइसक्रीम खाऊंगी। लो खाओगी? नहीं गाइस, आइसक्रीम से बड़ी आइसक्रीम की पैकिंग देख ना कितनी, मतलब स्ट्रॉन्ग पैकिंग करके दी, पहले मैं बिना सब्र के यहाँ से खोल दी लेकिन ये बहुत सुंदर है देखने में, खाने में मैं अच्छा। नीचे खाऊंगी बढ़िया है, ला ला जल्दी खा लेता हूँ है ना, अब बंद करो मैं खाऊ ना मेल्ट हो जाएगी। हमारा भी तो सर सर दिखाया तो गाइस श्रीमती जी की चल रही है पढ़ाई और ये अपना एग्जाम स्टार्ट हो गया। कुछ भी नहीं पढ़ा है? क्या नहीं पढ़ा, क्यों नहीं पढ़ा, तुमने किसी ने मना किया है? यार ये बहुत अजीब सी बुक है। क्या अजीब है इसमें? सब अजीब है, एक तो इसमें मीन मीडियन मोड दे रखे हैं, वो तो बहुत अजीब है, संख्या की क्वेश्चन है। चलो एक क्वेश्चन उसका आ गया, लॉन्ग तो कर दूंगी कैसे भी है, लेकिन सब में शोध वोध पता नहीं क्या क्या भरा हुआ है। तो कल का तो पेपर राम भरोसे ही है, जो होगा देखा जाएगा। पढ़ाई नहीं हो पा रही है कुछ भी, नहीं पिछले वाला तो बहुत अच्छा हुआ है, अभी इसका देखते हैं क्या होता है। चलो तो गुड नाइट बोल देते हैं। हाँ फिलहाल तो हम आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं क्योंकि अभी मुझे थोड़ा सा पढ़ना है, फिर सोना है, फिर सुबह जल्दी उठना है। तो मिलते हैं अच्छे से एक और, वैसे भी ये वाले व्लॉग में भी बहुत अच्छी चीज मिलेगी आपको, एक अच्छा मैसेज है। हाँ हम तो गुड नाइट बोल रहे हैं। यस फिलहाल तो हम लोग करते हैं गुड नाइट, सब सो जाओ जल्दी से और उठ के 10 बजे मेरा व्लॉग जरूर देख लेना, लाइक करना, शेयर करना, शेयर करो यार। और ये वाला व्लॉग तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, इसे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ज्यादा लोगों को पता होना चाहिए कि मैंने क्या मैसेज दिया है, क्या आया है उसमें, ये सब चीजें सबको पता होनी चाहिए। तो प्लीज इसे तो बहुत ज्यादा शेयर करना। और मैं खुश हूँ कि जहाँ पे मैं एक जगह अटक गई थी, कहाँ पे 86,000 पे ना, आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया है कि फाइनली 92,000 से ऊपर की मेरी फैमिली हो गई है। और अपना प्यार आप ऐसे ही बरसाते रहे, अब मुझे डबल खुशी होने लगी है क्योंकि मैंने आपसे प्यार मांगा था और आप मुझे वो दे रहे हो। तो गाइज मिलते हैं फिर एक नए व्लॉग के साथ, अभी गुड नाइट, बाय, टेक केयर।